होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे क्लीन कर रखती हूँ कनाडा में रहते हुए, जबकि यहाँ पर कोई हाउस हेल्प ही नहीं मिलती और मेरा एक टॉडलर भी है छोटा सा। तो इन सबको देखते हुए मैं अपने घर की कैसे केयर करती हूँ, कैसे क्लीनिंग करती हूँ, कैसे मेंटेनेंस और कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपने घर को, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो जो मुझे लगता है वो ये कि हमें सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से ना पूरा दिन प्रोडक्टिव रहता है और हम अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुझे, मतलब पूरे घर की क्लीनिंग करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में सुबह जल्दी उठना। और जो दूसरा मुझे लगता है वो ये कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए अपनी हेल्थ का, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे ना तो ही हम अपने घर का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला काम होता है क्लीनिंग से रिलेटेड, वो होता है सबसे पहले वॉशरूम क्लीन करती हूँ मैं। फिर वॉशरूम क्लीनिंग के बाद मैं शावर ले लेती हूँ। मैं रोज़ाना डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ वॉशरूम की, बस ये वॉश बेसिन वॉश करती हूँ और पॉट वॉश करती हूँ। और जो ये शावर एरिया, ये कैबिनेट्स वगैरह, ये सब डीप क्लीनिंग के टाइम पे होती हैं। और जो ये मिरर लगा है ये तो मेरे हस्बैंड क्लीन करते हैं, क्योंकि बहुत हिलता है और ये बहुत बड़ा है। और यहाँ वॉश बेसिन की पर भी मैं कुछ कुछ ही चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरा भरा पसंद नहीं आता है। शावर लेने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। 5-6 मिनट लगते हैं बस मुझे रेडी होने में, क्योंकि बस मैं बस 3-4 प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ। हाँ, हेयर ड्राई करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे तो मैं वीक में 3 बार ही अपने हेयर वॉश करती हूँ, लेकिन ना वैसे भी अगर हेयर वॉश नहीं भी कर रहे तब भी वो गीले हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो हेयर ड्राई कर लेती हूँ मैं। और चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद उनको तभी हैंड टू हैंड उनकी जगह पर रख दो, तो इससे भी आपका बहुत सारा काम बच जाता है। आप बाद में करेंगे टाइम लगेगा, और भूल भी जाते हैं कई बार हम रखना, इधर उधर रह जाती हैं चीज़ें, क्योंकि चीज़ यूज़ करने के बाद अगर हम उसे उसकी सही जगह पर नहीं रखते, वहीं छोड़ देते हैं, तो हम भूल भी जाते हैं कि वहाँ पर ये रखा हुआ था, और फिर इससे ना सारा घर फैला हुआ रहता है। तो हैंड टू हैंड चीज़ें रख दो वहीं पर जहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं खुद तो रेडी हो गई हूँ, और अभी मिराब को भी रेडी कर रही हूँ। मिराब आज बहुत जल्दी उठ गई है, और आजकल मिराब बहुत नखरे दिखाती है अपने बाल बनवाने में। वो बिल्कुल भी कोम नहीं करवाना चाह रही, भागना चाह रही है यहाँ पर से। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी सारी आदतें भी चेंज होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले तक इतना आराम से कोम करवाती थी ना, और अब आजकल तो बिल्कुल भी नहीं करवा रही है। वैसे जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है बेड को ठीक करना, जैसे मिराब सोकर उठ जाती है, क्योंकि जो बाकी की क्लीनिंग है ना वो तो आराम से होती रहती है घर की। अगर बेड क्लीन हो ना तो रूम आपका क्लटर फ्री लगता है एकदम, और ऑर्गेनाइज लगता है। अगर मान लो आप क्लीनिंग कर रहे हैं, पहले झाड़ू पोछा लगा लेंगे और बेड क्लीन नहीं करेंगे ना, तो रूम साफ़ ही नहीं लगेगा आपका। तो सबसे पहला काम यही है कि अपना बेड ठीक कर लो, ऐसा लगता है आधा काम तो ख़त्म हो ही गया। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह उठकर सबसे पहले मैं ये बेड क्लीन कर लूँ, पर आज मैं थोड़ा अच्छे से कर रही हूँ। आज इसमें मैं डालूँगी बेकिंग सोडा अपने मैट्रेस पर, क्योंकि इस मैं बीच बीच में ऐसे करते रहती हूँ, महीने में एक बार बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। वैसे तो कोई अनवांटेड स्मेल नहीं होती है मैट्रेस में, पर मैं बहुत सारे हैक्स और ये सब देखती हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि कारपेट्स पर, बेड पर बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो जो जो भी अनवांटेड ऑर्डर होता है वो हट जाता है। तो मैं ऐसे रेगुलरली कर देती हूँ, हालांकि कुछ नहीं होता है ऑर्डर वगैरह, पर ऐसा कहते हैं कि अगर आपके घर में पेट्स हैं या फिर पसीने की, का आपका मैट्रेस काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, किसी भी तरह की स्मेल है, तो आप बेकिंग सोडा रेगुलरली अगर उस पर डालेंगे मंथ में 2-3 बार, तो वो सारी स्मेल चली जाती है। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अब इस मैट्रेस को भी 2-2.5 साल तो हो ही गए हैं, जब हस्बैंड आए थे कनाडा तभी लिया था उन्होंने, तो मैं इस पर बीच बीच में ऐसे डाल देती हूँ जब से मैं आई हूँ। तो अभी पहले मैंने सारी डस्टिंग कर दी थी बेड की, क्योंकि लाइट कलर है तो रोज़ अच्छे से ही डस्टिंग करनी पड़ती है उसकी, और उसके बाद अपना ये डाल दिया बेकिंग सोडा। और रात के टाइम हमारी साइड टेबल्स पर काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मिराब अपने टॉयज़ वगैरह उठाकर लाती रहती है, और मैं भी कुछ यूज़ करती हूँ तो उसको साइड टेबल पर ही रख देती हूँ।
साइड टेबल्स एंड बेड आपका एकदम मतलब सही से होना पूरा क्लीन, तो घर एकदम क्लटर फ्री लगता है और ऑर्गेनाइज लगता है। और आप ऐसे साइड टेबल्स के अंदर भी ना ऑर्गेनाइजर्स रख सकते हैं और उसमें अपनी सारी चीज़ें सही से रख सकते हैं सेट कर कर। जो मैंने बेड पर बेकिंग सोडा डाला था उसे तो वैसे 1-1.5 घंटे तक छोड़ना होता है, पर मुझे लगता है कि वो रहा नहीं है, मीराब ने ना सारा अपने ऊपर लपेट लिया है वो बेकिंग सोडा, क्योंकि जब से मैंने डाला है वो उसी पर घूम रही है पूरा, लेट रही है, कूद रही है पूरा। तो उसको मैं अभी वैक्यूम कर देती हूँ, आप उसको 1-1.5 घंटे बाद करें, क्योंकि मेरा तो सारा हट ही चुका है बेड पर से, सारा हटा दिया मीराब ने, तो मैं अभी कर रही हूँ उसको वैक्यूम। जो ये बेकिंग सोडा होता है ना, इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी तरह का ऑर्डर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपके अगर मैट्रेस से, कारपेट्स में या फ्रिज में किसी भी तरह का ऑर्डर हो, आप वो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें, वो चला जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसकी, बेकिंग सोडा उसमें बहुत सारा बार यूज़ हुआ है, हाउ कैन यू मेक योर होम स्मेल अमेजिंग, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं एक बार। वाओ शो मी वाओ। हाँ आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। Please don't do this. Wow. Wow, bag. चलो हट जाओ चलो। तो मैं ये मैट्रेस के कवर लेकर आई थी आइकिया से, क्योंकि बहुत जरूरी होते हैं, मैंने हमने पहले भी चढ़ा रखे थे अपने मैट्रेस पे, और जिस घर में टॉडलर्स हो, अगर टॉडलर्स नहीं भी हैं तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ना ये मैट्रेस कवर्स, इससे मैट्रेस हमारा क्लीन रहता है, अगर कुछ गिर रहा है तो इसी के ऊपर गिरेगा। तो अभी मैं मैट्रेस पे ये कवर भी चढ़ा देती हूँ। वे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग ऑन अ पिकनिक? मैट्रेस के कवर ना बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, एक तो ये वाटर प्रूफ होते हैं, अगर कुछ गिर भी जाए तो आपके मैट्रेस तक नहीं पहुँचेगा, आपका मैट्रेस हमेशा एकदम क्लीन रहेगा। और टॉडलर्स हों और या फिर पेट्स वगैरह हों तो उनके लिए भी सही रहता है। और मैंने ये बात नोटिस करी है कि बेड शीट भी ना एकदम स्टिल रहती है इसके ऊपर, मैट्रेस कवर के ऊपर बिछाते हैं हम तो हिलती नहीं है बिल्कुल भी। बेडशीट अभी मैं वही बिछा दूंगी जो मैंने बिछा रखी थी, क्योंकि मैंने ये कल ही बिछाई थी। मैं वैसे तो वीक में एक बार ही बेडशीट चेंज करती हूँ, लेकिन अगर बाय चांस गंदी हो जाए, मिराब कोई स्टेन वगैरह डाल दे उसके ऊपर, तो मैं उसको तभी भी चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा यही रहता है, होती है नहीं गंदी वैसे ज़्यादातर, तो वीक में एक बार ही चेंज होती है हमारी बेडशीट। और बेडशीट बिछाने में आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, उसको अच्छे से बिछाएं कि बच्चा उस पर जंप भी करे वो तब भी ख़राब ना हो। मेरा आप काफ़ी ज़्यादा जंप करती है बेड पर मैं इसको अच्छे से बिछाती हूँ तो ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। तो आज बेड ठीक करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने उस पर बेकिंग सोडा भी डाला और मेरा आप काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब ना मिरर क्लीनिंग का सबसे अच्छा ये होता है कि आप न्यूज़पेपर से क्लीन करें मिरर, पर अभी यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं है तो मैं इससे कर देती हूँ, जो ये होता है पेपर, न्यूज़पेपर से इतना बढ़िया मिरर क्लीन होगा ना आपका, मिरर हो या कोई भी ग्लास हो, हमेशा न्यूज़पेपर और पानी से क्लीन करें आप। तो अभी मैं कारपेट पे भी बेकिंग सोडा डाल दूंगी और इसको भी 1 घंटे बाद ही वैक्यूम करना होगा, और मुझे लग रहा है मेरा आप कारपेट पर भी सोडा नहीं रहने देगी।
और ये हमारी लिविंग एरिया की सेंटर टेबल है, इस पर भी काफ़ी सारा सारे वो डल जाते हैं स्टेन्स। मीराब लगा देती है अपने हाथ, मीराब इधर ही बैठ के खाती है कुछ कुछ, तो मैं इसको उससे क्लीन कर लेती हूँ विनेगर से ना, सारे जितने भी ये होते हैं दाग धब्बे सारे हट जाते हैं टेबल से, टेबल चमक जाती है एकदम से। लेकिन एक अजीब सी स्मेल रह जाती है विनेगर की जो होती है, तो उसको हटाने के लिए आप डिश वॉशर से क्लीन कर सकते हैं या फिर कॉलिन वगैरह से उसके बाद इस पर स्प्रे करके क्लीन कर दीजिए। और ये देखिए मीरा मेरी कितनी हेल्प कराती है, वो कह रही है कि मैं क्लीन करूँगी, और वो पूरी टेबल खुद ही क्लीन कर रही है। और घर की डस्टिंग वगैरह तो ना आप रोज़ ही करिए, वो सही रहता है, क्योंकि अगर नहीं करते ना रोज़ तो वो डस्ट इकट्ठी होती चली जाती है, और फिर जिस दिन करने बैठोगे उस दिन आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर डेली करते हैं ना ये डस्टिंग क्लीनिंग तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, हाफ एन आवर की बात होती है सारा काम निमट जाता है। जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है वो तो घर थोड़ा बड़ा है ये झाड़ू और पोछे में लगता है, नहीं तो ये सारी डस्टिंग और ये ऑर्गेनाइजिंग तो फटाफट से हो जाती है। और डाइनिंग टेबल पर भी मैंने ये वाटरप्रूफ क्लॉथ बिछा रखा है, शायद से ये पॉलिस्टर को होता है, पता नहीं किस चीज़ का होता है, पर ये बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि ना बार बार वॉश नहीं करना पड़ता, और इस पर अगर कुछ गिर भी जाए खाते टाइम तो वो इजीली क्लीन हो जाते हैं। बस हल्का सा गीला कपड़ा करो, डिश वॉशर से क्लीन कर दो या फिर कॉलिन से क्लीन कर दो या फिर सिर्फ पानी से भी क्लीन कर दो तो वो ईजिली क्लीन हो जाता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता। और ये डेली बेसिस के लिए सही है, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं आपके घर पर तो आप चेंज कर सकते हो, तो आप क्लॉथ जो कपड़े वाले होते हैं वो बिछा सकते हैं। और मेरा आपके टॉयज़ के लिए मैंने एक अलग से रूम बना रखा है, सारे टॉयज़ उसके वहीं रहते हैं, पर वो थोड़े बहुत यहाँ पर लेकर आ जाती है, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो वो यहाँ पर लाकर खेलती रहती है। पर थोड़ी सी बड़ी होगी तो मैं उसे समझाऊंगी कि अगर आपको खेलना है तो आप उसी रूम में खेलो जहाँ पर आपके सारे टॉयज़ रखे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, टॉयज़ के लिए आप बच्चों को अलग से रूम दें, और अगर अलग सा रूम नहीं है आपके पास तो एक उनका डेडिकेटेड एरिया बनाएं, प्ले एरिया, कि आपको यहीं खेलना है, बच्चों को समझाएं। फिर ये सब करने के बाद मैं झाड़ू लगा देती हूँ घर की, और झाड़ू तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ घर की, क्योंकि घर में टॉडलर भी है तो थोड़ा सा घर गंदा हो जाता है, तो झाड़ू वैसे भी रोज़ ही लगनी चाहिए घर की। मैं जहाँ पर होती हूँ ना मीराब वहीं रहती है, अगर मैं इस रूम में हूँ तो उस रूम में, वॉशरूम में हूँ तो वॉशरूम में, हर जगह मीराब आगे पीछे ही घूमती रहती है मेरे। बस अब जो मैंने वो डाला था बेकिंग सोडा वो मैं वैक्यूम से खींच लूँगी इसके अंदर, और वैसे तो आधे से ज़्यादा तो मीराब हटा ही चुकी है, पर फिर भी मैंने इसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था कारपेट के ऊपर ही। और सही रहता है, बीच बीच में कर लो, मंथ में एक आध बार कर लो, ये सच में काम करता ही है, आपका कारपेट ना एकदम मतलब फ्रेश लगेगा आपको। इस घर में अभी हम कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं तो अभी कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप घर के अंदर कम से कम सामान रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान रहेगा उतना ही आपका घर क्लटर से भरेगा और उतना ही घर ज़्यादा मैसी लगेगा। अगर आप ज़्यादा सामान ले रहे हैं तो उनकी रखने की एक डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कम सामान से ना स्ट्रेस भी हमारा कम रहता है, और मैस भी कम होता है, और ना काम भी कम रहता है, और लाइफ रहती है इजी और सुकून वाली। और मैं सोफे पर भी ऐसे कवर चढ़ा देती हूँ, जब बस हम ही हैं घर में तो कवर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा है घर में वो गंदा करता है, तो कवर सही रहता है, वॉश कर दो उतार कर, क्योंकि पिछली बार वाला सोफ़ा तो हमारा मीराब ने बहुत ज़्यादा सारे स्टेन्स डाल दिए थे उसमें बहुत ज़्यादा। और किचन तो मुझे क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड ही पसंद है, मैं कभी भी किसी स्पेशल ओकेजन को वेट नहीं करती हूँ किचन क्लीनिंग करने के लिए, मेरी क्लीनिंग खाना बनने के साथ साथ ही चलती रहती है, या फिर जो मेरा फ्री का टाइम होता है उसमें चलती रहती है मेरी क्लीनिंग। रीफिलिंग भी मैं इसमें ही कर लेती हूँ किचन में, कुकिंग के साथ साथ, कुकिंग के बीच में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है ये सारी किचन की क्लीनिंग ये सब करने के लिए, तो उसके लिए अलग से टाइम निकालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ना अगर मैं कुकिंग के साथ ही करती रहती हूँ ना ये सारी चीज़ें, कभी कोई कैबिनेट कर लेती हूँ क्लीन, कभी टाइल्स कर लेती हूँ, तो मुझे ना अलग से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कभी मैं डीप क्लीनिंग करने जाती भी हूँ तो सब साफ़ ही रहते हैं, सारी कैबिनेट्स वगैरह थोड़ा बहुत ही कुछ गिरा हुआ होता है उसमें। तो किचन के वो ऐसे ही ऑर्गेनाइज रखें, क्लीन रखें, तो आप खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं।
कोई भी किचन में चीज़ यूज़ कर रहे हो उसको क्लीन कर कर ही रख दें कैबिनेट में, तो इससे कैबिनेट भी गंदी नहीं होगी और आपकी वो जो भी है आपका जार है कंटेनर है वो भी एकदम क्लीन रहेगा। तो मेरी जितनी भी किचन की क्लीनिंग है सारी इन बिटवीन कुकिंग ही चलती है। और जो ये बर्तन होते हैं मैं कभी भी बर्तनों का ढेर इकट्ठा नहीं होने देती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे एक दो बर्तन हो वो भी मैं हैंड टू हैंड वॉश कर दूँ, तो सही रहता है ना, दिमाग भी स्ट्रेस फ्री रहता है और बर्तनों को देख देख कर तो वैसे ही इतना दिल घबराता है। और मैं जब बर्तन क्लीन होते हैं ना सारा किचन क्लीन होता है तो मैं मोटिवेटेड भी रहती हूँ सारे काम करने के लिए, किचन में कुकिंग करने का भी मन करता है, अच्छी अच्छी डिशेस बनाने का, एक किचन एकदम क्लीन रहता है तो। और लॉन्ड्री मैंने एकदम सिंपल रखी है, ये लॉन्ड्री को बहुत बड़ा सा बैग है, कैमरे में छोटा लग रहा है वैसे ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें तीन सेक्शंस हैं, एक में बेडशीट्स टॉवल वगैरह डालती हूँ, एक में वाइट कपड़े डालती हूँ और एक में कलरफुल, हम तीनों के वाइट कपड़े और हम तीनों के ही कलरफुल कपड़े। तो ये काफ़ी बड़ा बैग है और जब ये भर जाता है मैं तभी क्लीनिंग करती वॉश करती हूँ कपड़े, और तीनों अलग अलग वॉश होते हैं, जैसे चादर और ये जो टॉल्स वगैरह होती हैं वो अलग वॉश होती हैं, वाइट कपड़े अलग वॉश होते हैं और जो कलरफुल हैं वो अलग वॉश होते हैं। तो ईजी रहता है मेरे लिए, काफ़ी बड़ा बैग है, जब ये फुल होता है तभी वॉश कर देते। तो मैं अभी लॉन्ड्री नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कल ही करी थी और ये अभी मैंने चेंज करी है कल ही चीज़ें सारी। और घर को एकदम नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रखने में जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ काम आई है वो है प्लानिंग माय डे। मैं चीज़ें प्लान करती हूँ, जब से मैंने करना स्टार्ट करा है ना सच मानिए मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई है ना, मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ, मैं इसमें प्लान कर लेती हूँ, चीज़ें लिख लेती हूँ, मुझे याद रहती हैं फिर कि मुझे ये करने हैं काम, छोटे छोटे काम बड़े बड़े काम सारे मैं इसमें नोट डाउन कर लेती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से मेरा घर वेल ऑर्गेनाइज एंड क्लीन रहता है एकदम। पहले मैं सोचती थी कौन ऐसे लिखता है डायरी में बैठ के, कौन अपना डे प्लान करता है, पर जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है ना यकीन मानिए मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। मेरा भी सो गई है। और जो एक दूसरा काम मैं करती हूँ वो ये है कि आई नेवर लीव माई रूम एम्प्टी हैंडेड, मतलब रूम में कभी भी खाली हाथ से बाहर नहीं जाती, जो कुछ भी सामान होता है उसे मैं उठाकर ही बाहर निकलती हूँ रूम से, चाहे वो लिविंग एरिया हो या फिर कोई बेडरूम हो या कोई सा भी एरिया हो, तो इससे ना सारा घर में ना एक जगह सामान इकट्ठा नहीं होता रहता, जहाँ पर जो चीज़ है जगह जहाँ पर जिस जगह की जो चीज़ है मैं उसे वहाँ रख देती हूँ। मॉपिंग में जो करती हूँ वो इसके लिए मैं लेती हूँ गर्म पानी और ये वाला डालती हूँ इसके अंदर पाइन सॉल्यूशन, इससे सारे जर्म्स भी हट जाते हैं घर के और काफ़ी मतलब फ्रेश फ्रेश फील होता है जो आपका फ्लोर है काफ़ी ज़्यादा। और मॉपिंग मैं डेली नहीं करती, मैं वीक में कर लेती हूँ 2 या 3 बार, तो काफ़ी मतलब घर साफ़ रहता है, ये वैसे भी ना वुडन फ्लोरिंग होती है तो सही रखती है, ज़्यादा डर्टी नहीं लगती, क्लीन रहता है, 2 हफ्ते में 2-3 बार भी कर लो तो। तो बस इसी तरह यहाँ अब्रॉड रहकर विदाउट एनी हाउस हेल्प और मेरा एक छोटा सा बेबी भी है, इन सबको लेकर मैं अपने हाउस को इतना क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय।